तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। तुम मेलकीसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे और इस कथन को यथार्थ रूप देने के लिए रेवरेंड फादर सीरियाक जेम्स ने हम विश्वासियों की क्षमा याचना लेकर स्वर्ग मार्ग की ओर प्रस्थान किया। एक पुरोहित जो विश्वासियों के लिए जिया, जो उन्मुक्त जीवन जिया, जो जीवन की समस्त बाधाओं के पार जिया, दिवंगत फादर सीरियाक जेम्स, पिता चाको जोसेफ एवं माता चिन्नम्मा चाको के धार्मिक परिवार में जन्मे फादर सीरियाक जेम्स घर के पांचवें सदस्य थे, जिनकी चार बहनें एवं दो भाई हैं। इनकी दूसरी बहन लूसी झांसी धर्म प्रांत में सेक्रेड हार्ट कांग्रेगेशन की सिस्टर है। संयुक्त परिवार में प्यार से कुरियच्चन कहे जाने वाले 58 वर्षीय फादर सीरियाक जेम्स स्वभाव से बिल्कुल मासूम और निर्धन एवं जरूरतमंदों के लिए समर्पित थे। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए वे तंत्र की किसी भी ऊंचाई को छूने की क्षमता रखते थे। वे सदा अपने वरिष्ठ जनों के आज्ञाकारी एवं धर्म प्रांत के प्रति निष्ठावान बने रहे। वर्ष 1984 में उन्होंने भोपाल महाधर्म प्रांत में पुरोहित बनने के लिए प्रवेश लिया। बीबीए एवं मास्टर्स इन थियोलॉजी हासिल करने के बाद फादर सीरियाक जेम्स का पुरोहिताभिषेक 27 अप्रैल 1993 में कोट्टायम के बिशप हिज ग्रेस रेवरेंड पल्लिका परम्बिल की आशीष से संपन्न हुआ और वर्ष 1993 अप्रैल में ही उनकी प्रथम नियुक्ति भोपाल के जहांगीराबाद चर्च के सह पुरोहित के रूप में हुई। पल्लीवासी उन्हें सशक्त एवं विनम्र मानते हैं और इसके साथ ही समय का चक्र चलता गया और समय समय पर उन्हें दी गई जिम्मेदारियों को वे निष्ठापूर्वक ईमानदारी से निभाते चले गए। और वर्ष 2014 जून में वे BSSS के पल्ली पुरोहित बनाए गए और आज अपनी जीवन यात्रा के अंतिम पड़ाव पर वर्ष 2019 से वे सेंट पीटर्स चर्च पिपरिया के पल्ली पुरोहित और सेंट जोसेफ स्कूल पिपरिया एवं सेंट पैट्रिक्स स्कूल सुहागपुर के मैनेजर रहते हुए हमसे अनंत जीवन की स्वर्गीय यात्रा के लिए विदा हुए। धन्यवाद प्रिय फादर सीरियाक जेम्स, भोपाल महाधर्म प्रांत आपके द्वारा प्राप्त योगदान को विश्वासियों के हित में सदा सर्वथा याद रखेगा। आपको बारंबार प्रणाम। कलीसिया कृत संकल्पित आपके साथ है। परमपिता परमेश्वर आपको अपने स्वर्ग राज्य में संतों की संगति प्रदान करे। हे प्रभु तूने अनंत शांति प्रदान कर और अपनी दिव्य ज्योति से उन्हें रोशन कर ताकि वे तेरे राज्य में चिर शांति के साथ विश्राम कर सकें। हे प्रभु तू अपनी करुणा हम सब पर रखना, अपनी दया से तू हमारे पापों को हरना,
त्रिएक ईश्वर की दया से हम सबका जीवन सारे मृतकों को पहुंचा जहां ज्योति सनातन। तू ही जीवन और मृत्यु का स्वामी चिरंतन। स्वर्ग धरा गाती तेरी स्तुति और प्रशंसा। हे प्रभु तुझसे ही संसार में जीवन चलता। हर प्राणी का आत्मा तुझ पर आस है रखता। तू हमारे नश्वर शरीर को पावन करता। मृतकों को जीवन देकर महिमामय करता। जीवन मृत्यु का स्वामी तू करता धरता। हमारे प्रभु येसु ख्रिस्त के द्वारा। अंतिम न्याय के दिन प्रभु महिमा के संग आएगा। अपने सिंहासन के दाएं प्रभु हमको बिठाएगा। अंतिम न्याय के दिन प्रभु महिमा के संग आएगा। अपने सिंहासन के दाएं प्रभु हमको बिठाएगा। थाम ले हाथ प्रभु अब इसका, तुझ बिन कौन इसका। तू ही है अब जीवन इसका, पुनरुत्थान इसका। धरती तेरी, गगन तेरा, संसार का मालिक तू। हर जीवन की आस तू ही प्रभु, जीवन दाता तू। तेरे क्रूस की छाव में सारा जग पाता जीवन। वही धर्म की राह चलाता, देकर ज्ञान का बल। मृतकों के सारे दोषों को भूल जा प्रभु पावन। उनके सारे पाप क्षमा करना येसु पावन। संस्कारों से परम पिता की है वे भी संतान। सुधी लेना येसु जी उनकी, यही है मुक्ति विधान। प्रभु का तन है भोजन और लहू जीवन धारा। जिसने ग्रहण किया उसने परमात्मा को पाया। वर्षा जल पी कर धरती ने अन्न को उपजाया। अंतिम तुर ही बजते ही मृत जीवन पाएगा। स्वामी तेरी आँखों से कुछ भी नहीं छिप सकता। इसके पापों की गिनती मत कर, करुणा करता। अंतिम न्याय के दिन प्रभु महिमा के संग आएगा। अपने सिंहासन के दाएं प्रभु हमको बिठाएगा। अंतिम न्याय के दिन प्रभु महिमा के संग आएगा। अपने सिंहासन के दाएं प्रभु हमको
सिंहासन के दाए प्रभु हमको बिठाएगा। तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। तुम मेल्किसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे।